हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 की परिणाम के बारे में, यानी रिजल्ट को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली के विश्वविद्यालय के कुलपति ने क्या कहा है, आज की बड़ी खबर है। तो इसको ज़रूर वॉच करें, देखें और समझें कि रिज़ल्ट आपका किस डेट को जारी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है डेट भी चेंज हो गई है और बरेली के जो कुलपति हैं उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए हैं। चलिए, अगर अभी तक लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे से आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन को दबा लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए देखते हैं आज का जो आपका न्यूज़ है वो क्या है। न्यूज़ ये है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में जो आपका रिजल्ट आना था वो 11 से 15 मई के बीच में आना था, लेकिन अब कर दिया गया है कि 5 से 15 मई के बीच में आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है। ठीक है, दिया गया है साफ साफ यहाँ पर 5 से 15 मई के बीच घोषित होगा परिणाम। आगे आते हैं, बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा क्या न्यूज़ है। यहाँ पर दिया गया है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है वो 5 से 15 मई के बीच में घोषित हो जाएगा। विश्वविद्यालय में भारांक की गणना शुरू हो चुकी है, चल रही है। और यहाँ पर बोला है कि जो कुलपति हैं अनिल शुक्ल का दावा है कि सारी परीक्षा जो प्रक्रिया है तेजी से चल रही है, रिजल्ट समय पर घोषित हो जाएगा। इस बार बीएड की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दी गई थी। 15 अप्रैल को हुई इस परीक्षा में इतने 5,66,400 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। प्रदेश भर में इतने डिग्री कॉलेज में 1,96,000 सीटें हैं। ठीक है, जिसके चलते इस बार मैरिट को लेकर के देखिए, इन्होंने बड़ी बात बोली है कि मैरिट कैसी रह सकती है, मैरिट हाई रहने की संभावना है। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी खबर है, मैरिट हाई रहने की संभावना है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ था, वही देखिए अपडेट आ गई है, जो कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उन्होंने खुद बोला हुआ है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे मूल्यांकन को लेकर के। मूल्यांकन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन कई दिन पूर्व ही अभ्यर्थियों द्वारा लगाए विभिन्न सर्टिफिकेट के भारांक की गणना भी क्या कर रहा है, शुरू कर चुका है, क्योंकि रिजल्ट में भारांक भी शामिल होगा। ओके, रिजल्ट में क्या है, भारांक भी शामिल होगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि शासन में मूल्यांकन की जो एजेंसी है वो भी निर्धारित कर दी गई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई भी खुलकर बात नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल है, कोई भी जो एजेंसी है जो निर्धारित की गई है उसके बारे में कोई भी बताना नहीं चाहेगा, वो अपनी प्राइवेसी होती है। ठीक है, कुलपति अनिल शुक्ल का कहना है कि प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वो निर्धारित समय 5 से 15 मई के बीच घोषित कर दिया जाएगा, इसको लेकर तेजी से काम चल रहा है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेट लपेट नहीं होना है। रिजल्ट की डेट पहले से कम कर दी गई है, यानी 5 से 15 मई के बीच में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो और सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपने रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपको वीडियो मिलती रहेगी, हमसे जुड़े रहें, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको टाइमली वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।